Competition community for the first time is coming up with CGPSC pre English medium course. I'm Pokhraj Giri and I've dealt with Chhattisgarh General Studies in such a manner that the entire syllabus, along with the necessary and reliable information, with the help of maps and graphs, have been covered in a very concise manner, which will definitely prove to be very helpful for your preparations. So hurry and grab this opportunity as soon as possible. Thank you and take care. Friends, welcome to the CGPSC mobile course of Competition Community. I'm Nikhat Parvin Khan, and in today's class of history, we will be starting the third part of Indian history, and that is modern Indian history. हमने last class में medieval Indian history complete कर चुके थे. उसके जितने important aspect exam point of view से ज़रूरी थे, हम सब deal कर चुके हैं. Chronologically देखा जाए, तो हमने medieval Indian history में जो Mughal dynasty थी, उसमें Aurangzeb की death तक की जो भी circumstances थे, उसको deal किया था. मतलब the year 1707. तो एक्चुअली अगर हम देखें तो 1707 तक ही मिडिवल इंडियन हिस्ट्री होती है. 1707 के बाद इंडिया में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और फाइनली इंडिया में ब्रिटिश रूल आ जाता है, और ये ब्रिटिश रूल की ही हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आती है. व्हेन आई टोल्ड यू द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, वो स्केलेटन जब बताया था मैंने, तभी ये चीज़ें बता दी थी मैंने कि एंशियंट हिस्ट्री का मतलब होता है इंडिया में हिंदू किंग्स का रूल. मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें हम तो ज़्यादातर मुस्लिम किंग्स का रूल, और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब ब्रिटिशर्स का रूल. ये हिस्ट्री के एक नॉर्मल, एक लेमैन की लैंग्वेज में कह रही हूँ मैं, कि लेमैन की लैंग्वेज में ये तीन मतलब हैं एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के. सो औरंगजेब की डेथ इन द ईयर 1707 एक ऐसा आप कह सकते हैं ब्रेकिंग पॉइंट था जिसने पूरा फिर से इंडिया की जो इतिहास है उसको इस तरह से बदला जिस तरह से कभी 12वीं शताब्दी में जो तराइन का युद्ध था, जो चंदावर का युद्ध था, उन युद्धों ने जिस तरह से हिस्ट्री का फेस बदला था, वैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ ने फेस को बदला. वी ऑल हैव स्टडीड दैट औरंगजेब्स पॉलिसीज वर लाइक इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया. There were such policies which we can call it its staunch policies. ठीक है, staunch policies थी, और उसी वजह से ऐसा था कि धीरे 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 लोग मुग़लों से अलग होते गए. मुग़ल डिनेस्टी जो है, जो कि पूरे इंडिया में इसका विस्तार हो चुका था, वो धीरे धीरे पोस्ट औरंगजेब्स डेथ धीरे धीरे वो दिल्ली तक की लिमिटेड होने लगी. ठीक, वी ऑल हैव स्टडी दैट औरंगजेब का जो स्प्रेड था, एम्पायर स्प्रेड, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा था उस वक्त तक के मुग़ल राजाओं में. But because of the staunch and anti-Hindu policies, anti-non-Muslim policies of the Aurangzeb, इंडिया में circumstances जो हैं वो ऐसे हो गए कि औरंगजेब क्योंकि powerful था तो तब तक बहुत कुछ नहीं हुआ, but just after his death सब बिखरने लगे, और उस वजह से बहुत सारे autonomous states, बहुत सारे princely states का rise हुआ. इंडिया में हर किसी ने, जो पहले मुग़लों के अधीन थे, हर किसी ने अपने आप को अलग कर लिया, और फिर धीरे 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 जहाँ साउथ में अगर आप देखेंगे तो मराठों का आपको राइज़ दिखेगा, वहीं आपको ईस्ट में बंगाल और दूसरी डायनेस्टीज़ का राइज़ दिखेगा, और अगर आप सदर्न एरिया में जाएंगे तो मैसूर डायनेस्टी का राइज़ दिखेगा. सो जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मैनी लोकल ऑटोनॉमस डायनेस्टीज रोज. और आप कह सकते हैं पॉलिटिकल सोवरेनिटी नहीं थी और इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो इसी का फ़ायदा उठा करके कुछ फॉरेन कंट्रीज़ भी इंडिया में आए, एंड फाइनली ब्रिटिशर्स वर विक्टोरियस. जैसे कि उस वक्त हुआ था जब राजपूत एरा चल रहा था, इंडिया में कई लोकल डिनेस्टीज़ का राइज हो चुका था, इंडिया की पॉलिटिकल सोवरेनिटी ख़त्म हो जाने के बाद कई लोकल डिनेस्टीज़ आ गई थी, उसका फ़ायदा उठाया था दिल्ली सुल्तानों ने. दे वर फॉरेनर्स एट दैट टाइम, दे केम टू इंडिया, दे ऑक्यूपाइड द मेजर पॉलिटिकल टेरिटरीज एंड दे स्टार्ट रूलिंग ओवर हियर. सेम वो एक तरह ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सेम थिंग अकर्ड दिस टाइम ऑल्सो. सो इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज फ्रॉम द औरंगजेब डेथ to the Battle of Buxar. Actually, ये जो phase है 1707 से 1765 तक का, ये transformation phase में आता है. Many people, many historians say that after the Battle of Plassey or after the Battle of Buxar, actually the modern history starts, because just after the Battle of Buxar, direct rule of Britishers starts in India. ठीक,
1757 की प्लासी से या बक्सर से ही लोग कहते हैं या इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटिश रूल शुरू हुआ है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री भी वहीं से शुरू हुई है। ये तो बात तय है कि उन दोनों बैटल्स की वजह से इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, पर मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब की डेथ के साथ ही स्टार्ट हो गई थी। मेनी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर देर वॉज नो पॉलिटिकल सोवरेनिटी, देर वॉज नो अम्ब्रेला रूल ऑफ ओनली वन पॉलिटिकल यूनिट, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो वी आर टेकिंग द एंटायर पार्ट पोस्ट औरंगजेब डेथ इन मॉडर्न हिस्ट्री। औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत सारे पोस्ट मुगल एम्परर्स हुए, बट एज आई सेड वो हम पोस्ट मुगल एरा के एम्परर्स कहेंगे, ना कि मुगल एरा के या मिडिल इंडियन की मुगल डायनेस्टी के, ठीक है, पोस्ट मुगल एरा के कहेंगे। सो औरंगजेब की डेथ के बाद नॉर्थ में मुगल्स थे, डेक्कन वाले एरिया में मराठा थे, फिर कहीं पर मैसूर, कहीं पर हैदराबाद, कहीं पर बंगाल। एज आई सेड इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और यहाँ से फिर धीरे धीरे इन चीज़ों का, इन सर्कमस्टांसिस का फ़ायदा उठा करके फॉरेन कंट्रीज आई और आपस में भी उन्होंने आपसी लड़ाइयाँ लड़ी और यहाँ की लोकल डायनेस्टीज़ को भी सप्रेस करने की कोशिश की, ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, और उन सभी में जो फाइनल विक्टर साबित हुए वो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। सो वी विल बी डीलिंग विद द एग्जैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1757 और 65, या मैं कहूँ ब्रिटिश रूल हम वहाँ से पढ़ेंगे, बट ये पूरा पार्ट भी हम यहीं से पढ़ेंगे, 1707 से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस बिगिन द पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। देखें, जो मैंने अभी आपको कहा कि इंडिया की पॉलिटिकल सोवरेनिटी का जो लॉस हुआ या डिक्लाइन हुआ, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन जो इंडिया में आई, उसकी वजह से फिर से विदेशी आक्रमण हुए, फिर से फॉरेन इन्वेजन्स हुए, या मैं कहूँ फॉरेनर्स का इंडिया में दखल हुआ और फाइनली ब्रिटिशर्स विक्टर हुए, ये तो मैंने कहा। बट यहाँ पे फॉर अ चेंज ऐसा था कि उन लोगों ने सीधा आक्रमण नहीं किया, जैसे कि उस वक्त ऐसा हुआ था ना दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग के टाइम, दैट दे इन्वेडेड इंडिया। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, दे ऑल इन्वेडेड इंडिया पर्पजली, ठीक है। उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ पे चीज़ों को, यहाँ की जो संपदा है उसे लूट करके चले गए, वो तरीका अपनाया। इस वक्त तस्वीर थोड़ी अलग थी। यहाँ पे जो फॉरेनर्स आए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के दौरान, वो ट्रेडर्स बन के आए थे, एंड मेजरली दे वर यूरोपियन ट्रेडर्स। ब्रिटिशर्स भी यूरोपियन ही हैं, आप जानते हैं। ब्रिटिशर्स के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान, शुरुआती दौर में, यूरोप की और कई कंट्रीज इंडिया में आई थी, ठीक। तो आज की क्लास से हम वही पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आई हैवंट रिटन द एंटायर टाइटल विच आई विश्ड ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे मैंने सिर्फ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस लिखा है। आप समझ जाएं कि मैं बताने जा रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स के पहले या उनके साथ या उनके बाद, उस दौरान में, ट्रांसफॉर्मेशन फेज के दौरान में, यूरोप के कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया आई थी फॉर ट्रेड पर्पस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ ये देखते हैं कि यूरोप के लोग आक्रमण नहीं करे थे, इन्वेजन नहीं करे थे पॉलिटिकल पर्पस से, या यहाँ की धन दौलत को लूटने के लिए आए थे, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल इस वक्त तक, मतलब आप ये कह सकते हैं इट वॉज द 18th century, राइट, 18th century से तो ये स्टार्ट हुआ, मैं कहूँ 15th century से। 15th century से ऐसा था कि मेनी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज टुक प्लेस राउंड द वर्ल्ड एंड द कंट्रीज गॉट फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक, ना सिर्फ लैंड वाले रास्ते से बल्कि सी वाले रास्ते से भी आवाजाही, ट्रांसपोर्ट दो कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हो गया। उसके अलावा यूरोप वॉज ऑलवेज अहेड ऑफ द एशियन कंट्रीज इन द, आप कह सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ ट्रेड। ये तो आप जानते ही हैं कि बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया तो यूरोप में ही आया, और पहले भी फिलोसफिकल डेवलपमेंट भी देखेंगे तो पहले यूरोप में हुआ, रेनासा भी हुआ तो पहले यूरोप में हुआ। सो हर फील्ड में आप कह सकते हैं कि यूरोप वॉज मच अहेड ऑफ टाइम। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड, ये सब भी एशियन कंट्रीज से ज़्यादा यूरोप में डेवलप था, ठीक है। ये उस दौरान की तस्वीर, यूरोप में काफ़ी डेवलप था। एंड द यूरोपियन कंट्रीज यूज टू ट्रेड विद एशियन कंट्रीज ऑल्सो, और उसके लिए वो लोग एक लैंड रूट लेते थे जो कि यूरोप से एशिया के बीच में मिडिल एशिया को कनेक्ट करते हुए आता था। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड मैप, आपको पता होगा अगर दिस इज यूरोप इन द वेस्टर्न पार्ट एंड इफ दिस इज एशिया, देर इज अ कनेक्टिंग लिंक जिसको हम मिडिल एशिया कहते हैं, जहाँ पे रशिया के पास कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक वगैरह आता है।
अपर वेस्टर्न एशिया और मिडिल एशिया वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिंग लिंग है। साथ ही साथ यूरोप का जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, जहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, वो या टर्की जैसे जो कंट्रीज़ हैं, टर्की, जॉर्जिया, ये एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। वंस लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड, यूरोप है, यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला टर्की, टर्की का आधा हिस्सा यूरोप में, आधा एशिया में, फिर टर्की के वाया आते थे, और उसके बाद फिर वो जो पूरा एरिया है ना, जो मैंने अभी नाम लिए, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया वाला एरिया, वो पूरे से होते हुए इन पूरे एरिया से वेस्टर्न एशिया के, ईस्टर्न एशिया के एरियाज पे ये ट्रेड किया करते थे। सो अर्लियर द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यूज टू कम टू एशिया फ्रॉम दैट लैंड रूट, विच वॉज जो वहाँ पे टर्की कंट्री थी, या यहाँ के जो दूसरे मैंने मिडिल एशिया की कंट्रीज बोली, उनको क्रॉस करते हुए आता है। हुआ ऐसा कि इन 1453 वो लैंड रूट पे टर्की का कब्जा हो गया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द कुस्तुंतिया डायनेस्टी ओवर देयर, लैंड रूट पे पूरी तरह से टर्की का कब्जा हो गया, और उस वजह से जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी लाइक पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एक्सेट्रा, वो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ के लिए इस लैंड रूट के ज़रिए एशिया में आना इम्पॉसिबल हो गया। बट देवर ट्रेडर्स, देवर सर्चिंग, देवर सीकिंग न्यू ट्रेड रूट्स, तो उन्होंने फिर दूसरे तरीकों से सी रूट के ज़रिए नए ट्रेडिंग सेंटर्स खोजने की कोशिश की, और उसी सिलसिले में ये धीरे धीरे भारत पहुँचे, ठीक है। दे लाइक स्टार्टेड देयर जर्नी वाया एक वॉयज की, जैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, दोज पीपल वर ट्रेडर्स ओनली, दे वर एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रेडिंग एरियाज थ्रू द लैंड, थ्रू द सी रूट एक्चुअली, नॉट थ्रू द लैंड रूट, थ्रू द सी रूट। सो ऑल दीज पीपल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ से अपनी वॉयज स्टार्ट की, और फिर रास्ते में उनको जो भी एरियाज मिलते गए वहाँ पर उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। सो उसी पर्पस से वो सब के सब एक के बाद एक इंडिया पहुँचे थे। इंडिया का वैसे ही वेस्टर्न यूरोप में इसकी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, जो वाणिज्यिक संपदाएं, इसका मतलब कि यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, यहाँ के जो ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज थे, या मैं कहूँ यहाँ का जो कमर्शियल रिसोर्सेज थे, इस वजह से इंडिया वॉज़ वेरी फेमस अमंग्स द यूरोपियन कंट्रीज़। खासतौर पे शुरुआती कुछ ट्रेडर्स जब आए और यहाँ पर देखा उन्होंने कि एम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओवर हियर, दिस इज़ अ चीप लैंड ओवर हियर, चीप लेबर है यहाँ पे, आपको चाहे क्रॉप आधारित इंडस्ट्री बनानी हो, चाहे मिनरल आधारित इंडस्ट्री बनानी हो, चाहे फॉरेस्ट आधारित इंडस्ट्री बनानी हो, यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत डेवलप्ड है, डेवलप इन सेंस वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा है। सो जस्ट फॉर अगर आप ट्रेड पर्पज से देखें तो इंडिया वॉज लाइक एज अ आई कैंडी, इंडिया वॉज एज अ आई कैंडी फॉर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। तो इंडिया अपने इन भौतिक संपदाओं के लिए पहले ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में फेमस था, एंड व्हेन ट्रेडर्स इंडिविजुअली विजिटेड इंडिया एंड दे सॉ कि इतनी सारे स्कोप हैं यहाँ पर, तो धीरे धीरे करके दे केम टू इंडिया एंड दे एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज ओवर हियर, बिकॉज यहाँ से शुरुआत में उन लोगों ने चीज़ें लेकर के गए, लेकिन फिर बाद में उनको ऐसा लगा कि अगर यहीं पर फैक्ट्री बनाते हैं, यहीं पर इंडस्ट्रीज डालते हैं, और इन चीज़ों का प्रोडक्शन उन रॉ मटेरियल्स के ज़रिए यहीं पर करते हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है वो भी बचेगा, और यहाँ पर एक एम्पल मार्केट है, बहुत पॉपुलेटेड तब भी था इंडिया, और एशियन कंट्रीज उस वक्त काफ़ी अच्छी पॉपुलेटेड थी, इंडोनेशिया की बात कर ले हम, या नॉर्दर्न टू इंडिया चाइना वाली पार्ट की बात कर ले हम, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। सो दे थॉट पहले कि उन्होंने यहाँ से चीज़ें लेकर के गए रॉ मटेरियल्स, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रीज डाली, फैक्ट्रीज डाली, यहाँ पे अपने सेंटर्स बनाए, ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए, और यहीं से प्रोडक्शन करके इंडिया और आसपास की हाईवेली पॉपुलेटेड कंट्रीज में उनका ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो इस तरह से, इस पर्पस से, या मैं कहूँ इन वजहों से यूरोपीय कंट्रीज इंडिया आई ट्रेड के, प्योरली ट्रेड, दे वर नॉट इंटेंडिंग टू रूल इन इंडिया, दे वर नॉट इंटेंडिंग इनिशियली, बट व्हाट हैपेंड व्हेन दे केम टू इंडिया, एनी ट्रेडर व्हेन कम्स टू एनी कंट्री फॉर ट्रेडिंग, व्हाट ही सीक्स इज अ पॉलिटिकल कोऑपरेशन फ्रॉम दैट कंट्री। मैं किसी कंट्री में ट्रेड करने जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसे कोऑपरेशन चाहिए रहता है। आई वॉन्ट द ट्रेडर सीक्स परमिशंस
The trader seeks the rebate in tax which he had to pay. The trader seeks free licenses. बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो किसी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटर से उसको चाहिए रहती है कोऑपरेशन बेसिस पे. इंडिया में जब वो लोग आए तो हालात ऐसे थे कि इंडिया बिखरा हुआ था, देयर वर मेनी पॉलिटिकल यूनिट्स, और जिस तरह का उनको पॉलिटिकल कोऑपरेशन चाहिए था वो नहीं मिल रहा था. और क्योंकि उनके पैसे फंसे थे, क्योंकि वो व्यापारिक पर्पज से आए थे, दे स्टार्टेड देन इंटरफियरिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग. और आज भी ऐसा होता ही है कि कहीं ना कहीं नाम के लिए एक नेता सामने रहता है पर उनका दिमाग चलाने वाले कई व्यापारी रहते हैं. व्यापारी और नेताओं के बीच में अच्छी साठगांठ होती है, ठीक है. नेताओं को चाहिए वोट और व्यापारियों को चाहिए नोट. कहने का मतलब ये है कि व्यापारी कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए लाइसेंसेस आप कर दीजिए, इसमें छूट दे दीजिए, यहाँ पे हमको अलाउ कर दीजिए, ये टेंडर हमको दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट हमको दिला दीजिए, बदले में जो है हम आपको वोट बैंक तैयार करके देंगे, हम आपको चुनाव में फाइनेंस करेंगे, व्हाट्सोएवर. ये तो आज भी होता है. तो उस वक्त भी ऐसा था कि दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द लोकल पॉलिटिक्स ओवर हियर. दे वॉन्टेड कि यहाँ के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेज ऐसे हों विच कुड हेल्प देम इन स्प्रेडिंग देयर ट्रेड. लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कहीं उनको कोऑपरेशन मिला, कहीं उनको कॉन्फ्लिक्ट मिला, और उन लोगों ने फिर जहाँ जहाँ उनके पर्पज़ थे कि यहाँ पे मुझे ट्रेड सेंटर्स डालना है, वहाँ पे उन्होंने फिर पॉलिटिकली भी ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया. और इसी सिलसिले में ऐसी 4-5 कंपनीज इंडिया में आई ट्रेडिंग पर्पज से प्योरली, फिर वो धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल पर्पज़ से यहाँ पे एरियाज को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. फिर दे स्टार्टेड क्वेरलिंग अमंगस्ट themselves also. जब एक कंट्री आकर यहाँ पर रूल कर रही है, यहाँ पर ट्रेड कर रही, दूसरी भी कंट्री आकर वहाँ पर ट्रेड कर रही, बोथ आर इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स, तो जाहिर सी बात है आपसी रंजिश तो होगी. तो फिर वो आपस में क्वारल करना स्टार्ट करी, उनके बीच में बैटल होनी स्टार्ट हो गई, वॉर होनी स्टार्ट हुई. और इनमें से जो सबसे बेहतर था, जिसकी पॉलिसीज, जिसकी ताकत, जिसकी नीतियाँ, जिसकी रीच, जिसका अप्रोच सबसे बेहतर था, वही फाइनल विक्टर साबित हुआ और वो थे ब्रिटिशर्स. तो ये कहानी थी यूरोपियंस इंडिया में क्यों आए, कैसे यहाँ रहे और फिर वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व कैसे हो गए, ठीक है. सो दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. आई सेट प्योरली ट्रेड पर्पज से आए थे, और सभी की बात नहीं बोलूंगी मैं कि जितने ट्रेडर्स इंडिया में आए थे सभी पॉलिटिकल इन्वॉल्व हुए थे, ऐसा भी नहीं था. बट स्पेशली अगर हम देखें तो ब्रिटेन जो था वो पॉलिटिकल इन्वॉल्व हुआ, एंड इट कॉन्कर्ड फर्स्टली कमर्शियली इट कॉन्कर्ड द कंट्री, और फिर धीरे धीरे पॉलिटिकली इट कॉन्कर्ड दी कंट्री. तो आपको इस क्लास में पहले तो सारी कंट्रीज़ के नाम पढ़ने हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आई, कब आई, उसका सीक्वेंस पढ़ना है, और एक एक कंट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़ी बहुत जानकारियाँ कि अगर ये कंट्री आई तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश की, या उनके कौन कौन से गवर्नर्स इंडिया में, ऐसे 2-4 जानकारियाँ आपको पढ़नी है. फिर आपको पढ़ना है कि इंडिया से बाहर कैसी हुई और फाइनली ब्रिटिशर्स कैसे रहे, ठीक है. तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट एंड हैव अ लुक एट दोस कंट्रीज व्हिच केम टू इंडिया फ्रॉम यूरोप दैट टाइम. द फर्स्ट टू ट्रेड इन इंडिया वाज पोर्टुगीज, ठीक है. पोर्टुगल जो थे वो पोर्टुगीज जो थे, यानी पोर्टुगल के जो रहने वाले थे, वो पहले आए. ये फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने ट्रेड पर्पज से इंडिया में कदम रखा. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस कि 1498 में वास्को डी गामा ट्रेड पर्पज से इंडिया आए थे. ही स्टेप डाउन एट द मलाबार कोस्ट एट द कोर्ट ऑफ किंग जमोरिन, ठीक है. वहाँ पर ही स्टेप डाउन. तो पोर्टुगीज पहला है 1498 में वास्को डी गामा से, हम इसको पढ़ेंगे. देन केम डच इंडिया 1602. डच मतलब हॉलैंड या नदरलैंड के लोग. देन ब्रिटिशर्स 1608. डू रिमेंबर दिस, दैट ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन द ईयर 1608, एंड प्रायर टू ब्रिटिशर्स टू कंट्रीज हैड ऑलरेडी विजिटेड टू इंडिया. पहले थे पुर्तगाली और दूसरे थे डच, ठीक है. ब्रिटिशर्स के बाद डेनमार्क के डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1616 में. देन फाइनली 1664 में फ्रेंच. ये सीक्वेंस याद रखें, पोर्टुगीज, देन डच, देन ब्रिटिशर्स, देन डेनिश, देन फ्रेंच. 1498, 1602, 1608, 1616 एंड 1664. वी विल बी स्टडिंग अबाउट ईच वन ऑफ देन वन बाय वन. डेनिश सेटलमेंट हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं एक आध बात ही आपको बता दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं. बाकी पोर्टुगीज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है आपको, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, ठीक है. डच जो है उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द पोर्टुगीज एडवेंट इन इंडिया. एंड एज यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, कौन है, वास्को डी गामा. सो ये है वास्को डी गामा, और सभी जानते हैं कि 1498 में
1498 में ये पहले पुर्तगाली थे जो भारत आए थे। 90 दिन की समुद्री यात्रा को करके केप ऑफ गुड होप के जरिए अब्दुल मानिक एक व्यापारी थे जिनके कोऑपरेशन से ये इंडिया पहुंचे थे। सो ही वॉज अ पोर्टुगीज। 1498 में ये इंडिया पहुंचे। 90 दिन की वॉयज को करने के बाद मलाबार कोस्ट में कैलीकट में किंग जमोरिन के दरबार में वास्को डी गामा आए। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दीज मेनी फैक्ट्स। 1498 आफ्टर द वॉयज ऑफ 90 डेज अब्दुल मानिक हेल्प्ड हिम। ही स्टेप डाउन इट कैलीकट विच वॉज पार्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ किंग जमोरिन। ठीक, पहले ये थे। उसके बाद 1500 में पेड्रो एल्बेर्स इज द सेकेंड पोर्टुगीज हु स्टेप डाउन इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये एक पुर्तगाली नाविक थे, मर्चेंट थे, इंडिया आए। उसके बाद पेड्रो एल्बेर्स भी आए। मलाबार तट में इन्होंने जो इलायची की पहाड़ियां हैं, जो मलाबार तट में जितने भी आपके सह्याद्री हैं, दक्षिण सह्याद्री, अन्नामलाई की पहाड़ियां, वो पूरे एरियाज़ में जो भी मसाले होते थे, इन लोगों ने मसाले लेकर के पुर्तगाल गए और वहाँ पर उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर धीरे धीरे आप देख कह सकते हैं कि व्यापार इंडिया और पुर्तगाल के बीच में बढ़ा। ये लोग यहाँ आते थे, मसाले लेकर जाते थे और वहाँ पर उसका व्यापार करते थे। पहली बार तो ये 1498 में आए थे। फिर 1502 में दो जहाजी बेड़ों के साथ वास्को डी गामा दोबारा इंडिया आए थे। तो याद रखना, 1498 में पहली बार, फिर 1502 में दूसरी बार। पहले वास्को डी गामा आए 1498 में, फिर 1500 में पेड्रो एल्बेर्स आए, फिर 1502 में फिर से वास्को डी गामा आए थे। ठीक, जब ये वापस गए तो उन लोगों को, पुर्तगालियों को समझ में आ गया कि इंडिया में एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेड की। तो इस वजह से फिर धीरे धीरे उन लोगों ने इस पूरे ट्रेड एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की। व्हेन दीज पीपल केम, एंड खासतौर पे वास्को डी गामा जब आए थे राजा जमोरिन के दरबार में, तो पुर्तगाल से लेकर मलाबार तट, कैलीकट तक के वो जो सी रूट है ना, वहाँ पे अरब, बेदरा और तुर्क ट्रेडर्स का कब्जा था। एक्चुअली द एंटायर अरेबियन सी वॉज अंडर द ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ द अरब मर्चेंट्स। अरबों का पूरा कब्जा था और पोर्टुगीज के जो सबसे बड़े राइवल्स थे ट्रेड पर्पज से अगर हम देखें, ट्रेडर्स में सबसे बड़े राइवल्स थे, तो वो अरब ही थे। गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ हॉर्मूज, और इस तरफ आप देखें तो मलक्का स्ट्रेट, तो एडन, हॉर्मूज, मलक्का, ये पूरे एरिया पे ना अरबों का ही कब्जा था, अरबों का, बेदरा का, तुर्क का कब्जा था। तो उनका एक जो पर्पज़ इंडिया में आने का था ट्रेड, और ट्रेड की मोनोपोली, दे वॉन्टेड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन द मलाबार एरिया। तो जब ये वास्को डी गामा आए राजा जमोरिन के दरबार में, तो राजा जमोरिन एक हिंदू राजा था और उस वक्त मलाबार तट में बहुत सारे मुस्लिम यानी अरब व्यापारी हुआ करते थे, क्योंकि वो एरिया में अरबों का कब्जा था। सो वास्को डी गामा डिमांडेड जमोरिन कि वो मलाबार तट से मुस्लिम जो मर्चेंट्स हैं उनको हटा दे, उनको आदेश पारित कर दे, उनके लाइसेंसेस ख़त्म कर दे। बट राजा जमोरिन के उन मुस्लिम व्यापारियों के साथ अच्छे रिलेशंस थे, जिस वजह से राजा जमोरिन ने मना कर दिया। और इस वजह से पुर्तगालियों को, क्योंकि उस एरिया में मोनोपोली चाहिए थी, तो पुर्तगालियों ने वहाँ पे गोलीबारी कर दी राजा जमोरिन के दरबार में, यानी राजा जमोरिन की टेरिटरी में। तो इस तरह से ही स्टेप डाउन एट दी कोर्ट ऑफ जमोरिन, बट उसके बाद ये थोड़े राइवल्स बन गए थे। फिर हुआ ऐसा कि इन लोगों ने, ऊपर कोचिन था, कोचिन के राजा और राजा जमोरिन के बीच में राइवलरी चलती थी, तो ये लोगों ने कोचिन के राजा के साथ जाकर हाथ मिला लिया और फिर राजा जमोरिन के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाने लगे। तो कोचिन क्योंकि जमोरिन का अगेंस्ट था, तो वहाँ पर पोर्टुगीज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिला और इन लोगों ने कोचिन में फिर अपनी पहली फैक्ट्री डाली। यू माइट बी नोइंग कि पहली पोर्टुगीज़ फैक्ट्री जो डली वो कोचिन में डली। ठीक है, तो वहाँ पे कैलीकट और कोचिन के बीच में जो राइवलरी थी उसका फ़ायदा पोर्टुगीज़ को मिला था। सो फाइनली दे एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचिन। फिर धीरे से, बिकॉज दे वॉन्टेड द ट्रेडिंग मोनोपोली ओवर दैट एरिया, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने यहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। ये अकेले ट्रेडर्स की बस की बात नहीं थी, इसलिए पोर्टुगीज किंग ने यहाँ पे गवर्नर्स भेजने शुरू किए। सो एक के बाद एक यहाँ पे कुछ पोर्टुगीज गवर्नर्स आए, जिसमें से ये तीन चार नाम काफ़ी फेमस हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फोंसो डी अल्पोकर, नीनो डी कुन्हा, जुआ डी कैस्ट्रो।
ठीक है। खासतौर पर ये शुरू के जो दो नाम है ना, इन्होंने पोर्टुगीज पावर को इंडिया में स्ट्रेंथन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करें हम, तो 1505 से 1509 के बीच में ये गवर्नर बनकर आए थे। अल्बुकर की बात करें तो 1509 से 1515 के बीच में, 1515 के बीच में ये गवर्नर बनकर आए। नीनू डा कुन्हा जो हैं वो 1529 में, मतलब बीच में कुछ और थे पर मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे इसके बाद, 1529 से 1538 के बीच में आए। और जोवा डी कैस्ट्रो आए 1542 में, ठीक, जोवा डी कैस्ट्रो अराइव्ड एट इन द ईयर 1542। तो दीज वर द फोर इंपॉर्टेंट गवर्नर्स, खासतौर पर शुरू के दो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक, जिनके बारे में आपको एक एक दो दो पॉइंट्स याद रखने हैं आपके एग्जाम पर्पज से। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पोर्टुगीज किंग ने 3 सालों के लिए इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए भेजा था। पर्पस यहाँ पे पॉलिटिकल कैप्चर नहीं था, पर्पस था कि आप यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ऐसा बनाइए जिससे उनको ट्रेडिंग करने में आसानी हो, ठीक। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ये कहकर खास तौर पर भेजा गया था कि एडन, हॉर्मूज, मलक्का वाला जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पे अरब, तुर्क और बेदरा जो हुकूमतें हैं उनका कब्जा है, वो पूरे में आप पुर्तगालियों का कब्जा करवाइए, वहाँ पे मोनोपोली इस्टेब्लिश करिए, ट्रेडिंग मोनोपोली इस्टेब्लिश करिए, ये मेन पर्पज से किंग ने इनको भेजा था, राइट। सो व्हेन ही केम ही स्टार्टेड अ पॉलिसी विच वॉज नोन एज पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। याद रखिएगा, अक्सर पूछता है कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसकी है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर की पॉलिसी लाई थी, शांत जल की नीति बोलते हैं। उसमें ऐसा था कि पोर्टुगल से लेकर के इंडिया तक जो पूरा सी रूट है वहाँ पे पीसफुली सिर्फ पोर्टुगीज ट्रेड हो। पोर्टुगल से लेकर इंडिया तक के जो पूरा सी रूट है वहाँ पे पीसफुली सिर्फ पोर्टुगीज ट्रेड हो, सिर्फ पोर्टुगीज ट्रेडमैन हो, यही इनका कह सकते हैं मोटिव था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर में। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ पीसफुल सी एरिया। एक्चुअली पोर्टुगल से लेकर इंडिया तक का जो पूरा इनका एरिया था सी रूट, इसको ये लोग एस्टादो द इंडिया, एस्टादो द इंडिया कहा करते थे। तो ये एस्टादो द इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज का ही राज हो, इस पर्पस से इनको भेजा गया था। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इन्होंने स्टार्ट की और उन्होंने उसके तहत अरब, तुर्क, बेदरा जो नाविक थे उन लोगों को, मर्चेंट्स को खदेड़ा यहाँ पर, उनसे युद्ध किए और काफ़ी कुछ एरिया में, हमें ये नहीं बोलूँगी कि हॉर्मूज और मलक्का में इन्होंने कैप्चर कर लिया, पर हाँ एडन वाला जो एरिया निचला एरिया वहाँ पर उन्होंने पोर्टुगीज पावर को, ट्रेडिंग पावर को इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर टू पीसफुली रूल द सी एम्पायर या सी ट्रेडिंग एम्पायर विच वॉज कॉल्ड एज एस्टादो द इंडिया। ये पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर थी, शांत जल की नीति, शांतिपूर्वक पुर्तगाल से इंडिया तक के सी रूट में सिर्फ पुर्तगालियों की यहाँ एकाधिकार स्थापित करना, ये पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, फाइन विद दैट। बट हॉर्मूज और मलक्का वाले एरिया में कब्जा नहीं कर पाए, कुछ अरब नाविकों को, परचेंट्स को खदेड़ा गया, तुर्कों को खदेड़ा गया, बेदराओं से भी इन्होंने युद्ध किया, बट कुछ एरियाज में ये विफल रहे। उसके बाद आए सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ही केम इन द 1509 और 1515 तक के ये रहे। 3-4 बातें इनके बारे में याद रखिएगा, ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, जहाँ पहले अल्मेडा सिर्फ और सिर्फ किंग के आदेश अनुसार सिर्फ उस एरिया में अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते थे इकोनॉमिकली, कमर्शियली, वहीं अल्बुकर्क विस्तार करना चाहते थे अपने साम्राज्य का। ही वॉन्टेड टू मेंटेन द स्टेटस को इन अ वेरी स्ट्रेंथेंड वे, ठीक है। स्ट्रेंथ जो भी थे इनके पास टेरिटरीज, बस उन्हीं के सशक्तिकरण में अल्मेडा ने अपनी जो ताकत है वो झोंकी और वो पूरे सी एरिया पर ज़्यादा फोकस किया, जबकि अल्बुकर्क जो है वो इंडिया के अंदर जो लैंड एरिया उन वहाँ पर ज़्यादा फोकस करके अपने पावर को यहाँ पे स्प्रेड करने की कोशिश की, ना सिर्फ ट्रेडिंग पावर को बल्कि पॉलिटिकल पावर को भी स्प्रेड करने की कोशिश की। तो इसलिए हम इसको कहते हैं उपनिवेशवाद की नीति इन्होंने लाई थी, इंपीरियलिज्म की नीति इन्होंने लाई थी। इन्होंने जो हॉर्मूज और मलक्का पे कब्ज़ा नहीं कर पाया था अल्मेडा, वहाँ पर भी कब्ज़ा कर लिया, पूरी तरह से अरब नाविकों को खदेड़ कर, मर्चेंट्स को खदेड़ करके मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज की एस्टादो द इंडिया में, ठीक है। तो हॉर्मूज, मलक्का अपने कब्जे में कर लिया, साथ ही साथ इंडिया में इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाते हुए उन्होंने पोर्टुगीज जो
आर्मी के लोग थे जो सोल्जर्स थे उनको कहा कि आप इंडियन गर्ल्स से शादी करें ताकि इंडिया में पुर्तगालियों की संख्या बढ़े। अपनी आर्मी में इन्होंने इंडियंस को रिक्रूट करना भी शुरू किया। ये जो सारी चीज़ें ये कर रहे थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने पहले हॉर्मुज और मलक्का वाला जो स्टेट है वहाँ पे कब्जा किया पहला, दूसरा अपने सोल्जर्स को बोला कि इंडियंस से आप शादी करें ताकि पुर्तगालियों की संख्या बढ़े, तीसरा अपने आर्मी में इंडियंस को शामिल करना, ये सारे इनकी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी के अंडर था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है, इंपीरियलिज्म पॉलिसी अलबुकर। 1510 में बीजापुर के आदिल शाहियों से इन्होंने गोवा हासिल कर लिया। यू माइट बी नोइंग कि आखिरी में 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से ही आज़ाद करके इंडियन यूनियन में शामिल किया था। वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि पोर्टुगीज वर द फर्स्ट ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप हु केम टू इंडिया और उन्होंने सबसे लास्ट में इंडिया छोड़ा। मैं ये नहीं बोलूँगी सबसे लंबे वक्त तक इन्होंने रूल किया बीइंग अ यूरोपियन कंट्री, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे पहले आए पोर्टुगीज थे और सबसे लास्ट में ये गए। 1962 में गोवा, दमन, दीव, दारानगर, हवेली, इन सभी को तो हमने पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। ठीक है, तो गोवा जो इनका बाद में कैपिटल बन गया, गोवा जो इनका सबसे मेन ट्रेडिंग सेंटर बन गया, जो इनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया, वो गोवा इन्होंने बीजापुर की आदिलशाही हुकूमत से हासिल किया। अल्बुकर्क ने ही छीना था गोवा को 1510 में, राजधानी नहीं बनाया था, अभी सिर्फ हासिल किया था। फाइन विद दैट, ठीक, ये कुछ बातें अल्बुकर्क के बारे में याद रखिएगा ज़रूर तौर पे। और नीनू दा कुन्हा और जोआ दे कास्ट्रो के बारे में एक एक पॉइंट ही है, ज़्यादा कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। नीनू दा कुन्हा ने इसी गोवा को 1530 में पोर्टुगीज कैपिटल बना दिया इंडिया में। पोर्टुगीज सेंटर जो इंडिया में था, जो पोर्टुगीज कैपिटल गोवा को बनाया गया इंडिया में, वो गोवा था। किसने बनाया? नीनू दा कुन्हा। पूछता है कई बार, ठीक है, गोवा को राजधानी बनाने, अपनी राजधानी बनाने वाले कौन थे? नीनू दा कुन्हा। ठीक, और जोआ दे कास्ट्रो के बारे में बस इतना याद रखें कि जोआ दे कास्ट्रो ने बीजापुर के हमले को विफल किया था। बीजापुर से ही गोवा हासिल किया था इन लोगों ने, तो बीजापुर ने गोवा को रिकैप्चर करने के लिए अटैक किया था जोआ दे कास्ट्रो के वक्त, जिसको इन्होंने फेल कर दिया उस अटैक को, एंड ही रिटेन्ड गोवा। सो अल्बुकर्क ऑक्यूपाइड गोवा, नीनू दा कुन्हा मेड गोवा एज द कैपिटल, और जो जोआ दे कास्ट्रो है ही रिटेन्ड गोवा फ्रॉम द आदिलशाही डायनेस्टी। इतनी बातें आपको पोर्टुगीज पावर के बारे में याद रखनी है। आई होप इससे बाहर चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, वास्को डी गामा से लेकर के इन गवर्नर्स के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिए, इट विल बेनिफिट यू इन योर एग्जाम। ठीक, अब बात आती है कि फिर पोर्टुगीज पावर के डिक्लाइन की क्या वजह थी। यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ भी आईं, दूसरी कंट्रीज़ का पावर बढ़ा, जब ये इतने पूरे एरिया में फैल गए थे तो फिर इनका डिक्लाइन क्यों हुआ? इनकी डिक्लाइन इस वजह से होने लगा कि एक तो ट्रेड में, व्यापार में बहुत कॉम्पिटिशन होने लगा, धीरे धीरे इनका जो पॉलिटिकल पकड़ है ना इंडिया में वो कमज़ोर होने लगी। एक तो मुग़लों की वजह से, उसके अलावा मराठों की वजह से, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ कुछ एरिया इन्होंने छीन लिया इनसे, और उस वजह से इनकी पॉलिटिकल पकड़ यहाँ पे कम हो गई, इसलिए कुछ ही एरिया गोवा तक ही लिमिटेड हो गए। ठीक है, याद रखिएगा कोचिन तो पहली फैक्ट्री थी, अल्मेडा ने तो बहुत सारी फैक्ट्रीज डाली थी, आजानीवा, कीवा, ठीक, ये कुछ ऐसी फैक्ट्रीज थी जो पोर्टुगीज़ की थी, आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी जो पुर्तगालियों ने मलाबार तट पे डाली थी। ठीक है, तो आजानीवा, कीवा, अल्मेडा के नाम आते हैं। अल्मेडा ने मेनली ट्रेडिंग पर्पज़ से यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी उस मलाबार कोस्ट को। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ एरियाज़ जो उन्होंने कब्ज़ा किया था, जैसे बेसिन कब्ज़ा किया था, आजानीवा, कीवा, कुछ एरियाज़ इनके हाथों से जाने लगे और पॉलिटिकल पकड़ कमज़ोर पड़ गई। तो इस सिलसिले में एक दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पहले तो अगर हम मराठों की बात करें तो सालसेट और बेसिन, जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज थी जो पुर्तगाली कब्जे में थी, मराठों ने सालसेट बेसिन छीन लिया इनसे। ठीक, दूसरा, सन 1631 में शाहजहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था कासिम खान, उन्होंने हुगली वाला जो एरिया है वो इनसे छीन लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा सालसेट बेसिन हाथ से गया, हुगली वाला एरिया इनके हाथ से गया। तीसरा, 1661, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये ब्रिटिश वाले एरिया में भी पढ़ोगे आप। 1661 में पोर्टुगीज राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स से हुई। पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में एक मैरिटल रिलेशन स्टैब्लिश हुआ रॉयल। ठीक है, पोर्टुगीज राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स से हुई, और पोर्टुगीज ने बॉम्बे वाला जो एरिया है वो डाउरी के तौर पर ब्रिटिशर्स को दे दिया। तो बॉम्बे भी हाथ से गया, बेसिन, सालसेट, बॉम्बे, हुगली, ये सब हाथ से चला गया, और धीरे धीरे आप कह सकते हैं
कि इनका जो पतन है वो हो गया. ठीक है, द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया इन बोथ वेज, कमर्शियल वे में भी देखें और पॉलिटिकल वे में भी देखें, तो वो डिक्लाइन हो चुका था. ठीक, तो इतनी कहानी थी पुर्तगालियों की. अब आगे बढ़ते हैं. अब आती है अगली ताकत डच. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो पॉइंट्स इनके बारे में आपको याद रखने हैं बस. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडी से, वेरिंग दे ओस्ट इंडी से नाम की ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी, या मैं कहूँ इंडिया में आई थी, और उन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री है वो मछलीपट्टनम में स्टैब्लिश की. मछलीपट्टनम जो है आप जानते ही होंगे कि ये कोरोमंडल तट पे है. इसका मतलब ये है कि ये लोग वेस्टर्न कोस्ट से ना होकर के इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट से आए, और मछलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की 1602 में. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि एक्चुअली ये लोग इंडिया में डायरेक्टली नहीं आए थे, ये लोग पहले गए साउथ ईस्ट एशिया, सुमात्रा और बेंथाम वाले रीजन में पहले गए थे. ठीक है, असल में सन 1596 में कॉर्नेलिस हाउटमैन, कॉर्नेलिस हाउटमैन पहले डच यात्री थे जिन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में सुमात्रा और बेंथाम में पहले अपने ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किए, और फिर वहां से ये इंडिया आए. डच जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने इन लोगों को, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, हमने ये नाम ना लेकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हो ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 साल का अधिकार पत्र दे दिया कि आप भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जितने देशों के साथ आप व्यापार करें. तो ये लोग पहले आए, कॉर्नेलिस हाउटमैन पहले डच नाविक थे जो आए थे सुमात्रा बेंथाम में, वहाँ पे उन्होंने पहले फैक्ट्रीज वगैरह बनाई, वहाँ पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, और फिर इंडिया के, मतलब इधर है ना ये जो सुमात्रा बेंथाम वाला एरिया है इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया से फिर ये ईस्टर्न कोस्ट से, यानी कोरोमंडल कोस्ट से आए. मछलीपट्टनम में इन्होंने पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश की, और फिर पुलिकट के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में फैक्ट्री स्टैब्लिश की, और फिर यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स अपने बनाए. पुलिकट इनका हेडक्वार्टर था, याद रखना, पुलिकट को इन्होंने हेडक्वार्टर बना करके आगे अपने व्यापार को बढ़ाया. फाइन, इतनी चीजें आपको याद रखना है. लेकिन ऐसा हुआ कि इनका ज्यादा इंटरेस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी इंडोनेशिया मलेशिया वाले क्षेत्र में ही था. इंडिया में ये बहुत ज्यादा ना तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुए, ना ही इन्होंने ट्रेड को बहुत ज्यादा स्प्रेड किया. और इनके रहते रहते ही फ्रांसीसी भी आ गए, इनके रहते रहते अंग्रेज भी आ गए, इनके पहले पुर्तगाली भी थे, तो इस वजह से इनको ट्रेड में भी काफ़ी कंपटीशन मिला, और ये धीरे से इंडिया में काफ़ी कमज़ोर पड़ गए. फाइनली अंग्रेज़ों ने ही इनको इंडिया से इरेडिकेट किया. 1759 में बैटल ऑफ बेदरा टुक प्लेस, बैटल ऑफ बेदरा, डू रिमेंबर दिस, 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ डच और ब्रिटिशर्स के बीच में. आप इसे दोबारा पढ़ेंगे जब आप ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे. ब्रिटिशर्स और डचों के बीच में बैटल ऑफ बेदरा हुआ 1759 में. वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, इन चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन से रिलेटेड है ये. और फाइनली इस बैटल में डच हार गए, और उनको अपना यहाँ बोरिया बिस्तर समेट कर वापस जाना पड़ा. सो ब्रिटिशर्स ओनली इराडिकेटेड डच फ्रॉम इंडिया इन द बैटल ऑफ बेदरा 1759. फाइन, इतनी बातें आपको डच के बारे में याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं. आगे बढ़ते हैं. देन केम ब्रिटिशर्स. ठीक है, ब्रिटिशर्स इसी दौरान आए, आपने पढ़ा 1608 में आए. तो 1608 में जब वो आए, तो इनिशियली क्या क्या चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखें कि ये 1608 में आए तो क्या 1608 में कंपनी बनी, क्या उसके पहले नहीं बनी थी, क्या जो 1608 में कंपनी आई उसके पहले कोई ब्रिटिशर इंडिया नहीं आया था, ये चीज़ें ध्यान रखनी है. ठीक, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद उन्होंने किस तरह से यहाँ पर अपनी फैक्ट्री वगैरह एस्टैब्लिश की, ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकली मैंने यहाँ पर एक एक करके लिखा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर डिजिटली इन चीज़ों को बताया है, उनको ध्यान में रखिए. तो 1579 विजिट ऑफ विलियम ड्रेक. अंग्रेजों ने विलियम ड्रेक को पूर्वी देशों के भ्रमण के लिए भेजा था, पूर्वी देशों के आकलन के लिए भेजा था. ठीक है, तो पूर्वी देशों में आने वाले पहले जो अंग्रेज हैं वो विलियम ड्रेक, और उसी चीज़ के लिए या उसी सिलसिले में भारत पहुंचने वाले पहले अंग्रेज हैं जॉन मिल्डन हॉल. ही वॉज अ मर्चेंट हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम द लैंड रूट, नॉट फ्रॉम द सी रूट, फ्रॉम द लैंड रूट. ठीक है, ही विजिटेड द ईस्टर्न कंट्रीज, ही वॉज सेंट टू विजिट द ईस्टर्न कंट्रीज फॉर ट्रेड पर्पजेज, और जॉन मिल्डन हॉल उसी ट्रेड पर्पज से इंडिया पहुँचे थे, लेकिन लैंड रूट से पहुँचे थे. फाइन,
फिर इन लोगों ने यहाँ पे जो भी जायजा लेकर के वापस गए तो ही उन लोगों को फिर लगा कि इंडिया और इसका साउथ ईस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं, ठीक, यहाँ पर मार्केट भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद 1600 में मर्चेंट एडवेंचरर नाम की एक कंपनी ब्रिटेन में इस्टेब्लिश हुई, मर्चेंट एडवेंचरर, इसी को बाद में जा कर के ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। जब इनको एक अधिकार पत्र दे दिया गया था कि आप इंडिया और आसपास के देशों में जा कर के ट्रेड करिए, तब इसका नाम बदल कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप ये बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1600 AD में जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक। तो 1600 में मर्चेंट एडवेंचरर कंपनी बनी, 1608 में जैसे कि आपने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, और इस वक्त इंडिया में मुगल एम्परर जहांगीर का रूल था, ये आपने जहांगीर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। द व्हेन कंपनी केम टू इंडिया इन 1608 जहांगीर वॉज द रूलर ऑफ इंडिया, द मेन रूलर ऑफ इंडिया। 1611 में इन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, तो उससे पहले ध्यान में रखिए इस 1608 की कहानी। इन्होंने ब्रिटिश क्वीन के साथ एक चार्टर साइन किया कि हम इंडिया जाएंगे और हमें इंडिया में ब्रिटेन से मोनोपोली दी जाए। ब्रिटेन से मोनोपोली दी जाए का मतलब ये है कि ब्रिटेन से हमारे अलावा कोई और कंपनी ट्रेड करने के लिए इंडिया ना भेजी जाए, ब्रिटेन से कोई और कंपनी ट्रेड करने के लिए इंडिया ना भेजी जाए, यानी इनको कॉम्पिटिशन देने वाला ब्रिटेन से कोई और ना भेजा जाए। इस चार्टर पर इनको इन्होंने साइन किया था, और ये था कि उसके बदले में जितना इनको प्रॉफिट होगा इंडिया में ट्रेड में, वो ज़्यादा प्रॉफिट ये ब्रिटेन में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक चार्टर था, एक समझौता था जिसके तहत ये इंडिया भेजे गए थे, याद रखें। तो जब जहांगीर से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब जहांगीर इंडिया के किंग थे, तो फिर उन्होंने मुगल एम्परर से परमिशन ली इंडिया में ट्रेड करने की। और उस वजह से सबसे पहले आपने जहांगीर के टाइम पर पढ़ा ही होगा कि सर विलियम हॉकिंस ने 1608 से, कुछ किताबों में 1608 दिया रहता है, कुछ किताबों में 1609 भी दिया रहता है, याद रखना। विलियम हॉकिंस ने सबसे पहले ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए जहांगीर से मुलाकात की, जहांगीर ने परमिशन दे दी, इस वजह से सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में ही इस्टेब्लिश की। तो अंग्रेज़ों की जो भी पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में थी, ठीक। लेकिन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो पाने के कारण सूरत की फैक्ट्री लीगली स्टार्ट नहीं हो पाई, ठीक है। ये पार्ट तो आपने पढ़ा था ना जहांगीर में कि विलियम हॉकिंस का विजिट हुआ, फिर उन्होंने परमिशन दी, फिर सूरत की फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, ठीक। फिर क्या हुआ, 1611 में इन्होंने जो कोरोमंडल तट में मछलीपट्टनम है वहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, और फिर इसकी लीगल परमिशन सारी ले ली गई। खासतौर पर इंडिया में इन्होंने जितनी भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी उसकी फाइनल लीगल परमिशन थॉमस रो ने ली थी जहांगीर से। पढ़े थे ना, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। 1608 में हॉकिंस आए थे, 1615 में थॉमस रो आए थे। थॉमस रो ने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की और मछलीपट्टनम इंडिया में ब्रिटिशर्स की पहली लीगल फैक्ट्री बन गई। तो पहली एस्टैब्लिश फैक्ट्री की बात करें हम तो सूरत है, और पहली लीगल फैक्ट्री की बात करें हम तो मछलीपट्टनम है। साउथ की पहली फैक्ट्री की बात करें तो भी मछलीपट्टनम है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, पहली फैक्ट्री सूरत, पहली लीगल फैक्ट्री मछलीपट्टनम, साउथ की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम, फाइन। ये दोनों के नाम याद रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने और एरियाज में अपने ट्रेड को स्प्रेड करना स्टार्ट किया। 1632 में इन्हें मिला गोल्डन फरमान, कहाँ से, गोलकोंडा के राजा से। तो गोल्डन फरमान दिया था किसने, गोलकोंडा के राजा ने, ठीक है। गोलकोंडा के राजा के साथ इन्होंने ट्रीटी की और उन्होंने फरमान जारी किया। तो फाइनली समझौते में ऐसा था कि अंग्रेजों ने ये करार किया कि हम एक एनुअल टैक्स देंगे, 500 पगोड़ों का एनुअल टैक्स ये गोलकोंडा के राजा को देंगे, और बदले में गोलकोंडा के राजा ने इस फरमान के ज़रिए गोलकोंडा के पास जितने सी पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, वहाँ पर ट्रेड करने की मोनोपोली अंग्रेज़ों को दे दी। तो मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पर ट्रेड, एक कहते ना व्यापारिक, ये स्प्रेड कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, जिसके सिलसिले में ये सारी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, फिर देवर स्प्रेडिंग देयर बिजनेस ओवर हियर। तो गोलकोंडा के फरमान से, या मैं कहूँ गोल्डन फरमान की वजह से, इनको गोलकोंडा वाले बंदरगाहों पर व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। 1639 में फिर देखो एक एक करके क्षेत्र कैसे, व्यापारिक क्षेत्र कैसे इनके हाथों में आ रहे थे। फ्रांसिस डे ऑक्यूपाइड मद्रास, चंद्रगिरी की राजा से इन्होंने मद्रास जो है वो पट्टे पर लिया, और फिर धीरे से मद्रास में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया, ठीक।
तो पहले गोलकोंडा के बंदरगाह आ गए इनके हाथों में, फिर आ गया मद्रास। तो फ्रांसिस डे को श्रेय जाता है ना मद्रास को मर्ज करने में ब्रिटिश एम्पायर के, फ्रांसिस डे। तो कहा जाता है फ्रांसिस डे ओनली एस्टेब्लिश मद्रास। देन 1661 में आपको मैंने बताया था पोर्टुगीज वाले में कि कैथरीन और चार्ल्स का विवाह हुआ, जिस वजह से बॉम्बे जो है वो अंग्रेज़ों को मिल गया। तो मद्रास हाथ आ गया उनके, फिर बॉम्बे हाथ आ गया 1661 में। फिर 1699, ये पूरा नहीं लिखा है, 1699 में इनके हाथों आ गया कैलकटा। जॉब चर्नॉक को कैलकटा की एस्टेब्लिशमेंट का श्रेय जाता है। असल में इनको कोलकाता, गोविंदपुर और सूतानाटी नाम के तीन गांव मिले थे व्यापार के लिए, ठीक, एक मसौदे के तहत, और उन तीनों को ही मिला के इन्होंने कलकत्ता शहर का इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। सो इफ़ यू आर आस्क दैट हु इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ कलकत्ता, इट इज़ जॉर्ज चर्नॉक। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड ट्रेड इन सूरत, इन मछलीपट्टनम, जो तीन बड़ी प्रेसिडेंसीज ग्रेजुअली, जो तीन बड़ी प्रेसिडेंसीज इनकी बनी थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, वो किस तरह से इनके हाथ हुआ है पहले ट्रेडिंग पर्पज़ से, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फ्रांसिस डे की वजह से मद्रास आया, और फिर यहाँ पर इन्होंने जॉर्ज सेंट जॉर्ज फोर्ट, आप सुनते हैं मद्रास में, ये फ्रांसिस डे ने ही वहाँ पर बनाया, ठीक है। तो सेंट जॉर्ज फोर्ट मद्रास में बनाया, 1661 में इनको बॉम्बे मिल गया, 1699 में इनको कैलकटा मिल गया, कैलकटा को इन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया। सो दे ऑक्यूपाइड ऑल द मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, और यहाँ पे इनका जो ट्रेड है वो बहुत स्ट्रेंथन हो गया, काफ़ी स्ट्रेंथन हो गया। उसके बाद ऐसा है कि तब भी ऐसा था कि इनको मुगलों को जो एनुअल टैक्स पटाना पड़ता था वो इनके फ्लरिशमेंट में काफ़ी बड़ा हर्डल था। जितना भी ये ट्रेड किया करते थे प्रोपोर्शनली उनको उतना जो सेल टैक्स है या एनुअल टैक्स इन्होंने करार के तौर पर रखा था मुगलों को, वो बहुत ज़्यादा पटाना पड़ता था। जितना सेल होता था, जितना ट्रेड करते थे, जितना स्प्रेड होता था इनका बिजनेस, उतना ज़्यादा। उससे भी छुटकारा मिला इनको, और वो मिला 1717 में, ठीक है, जब उन्होंने फरूख शेर, पोस्ट मुगल एरा के एक राजा फरूख शेर के साथ एक समझौता किया, डू रिमेंबर 1717। अब ये क्या था समझिए, फरूख शेर वॉज अ पोस्ट मुगल किंग। इस टाइम तक मुगल डायनेस्टी का पूरा तरह से डिक्लाइन हो चुका था, फरूख शेर का जो एरिया था वो दिल्ली के आसपास तक ही लिमिट हो गया। फरूख शेर की एक बार तबीयत ख़राब हो गई, उनके गले में कुछ दिक्कतें हो गई जिसका लोकल वैद्य या डॉक्टर जो हैं वो इलाज नहीं कर पा रहे थे। तो एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, दे वॉन्टेड सम रिलैक्सेशन इन दी टैक्स एंड दे वॉन्टेड सम रिबेट्स इन दी टैक्स, ये तो ब्रिटिशर्स का इंटेंशन था ही हमेशा से। तो एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने एक डॉक्टर को फरूख शेर के इलाज के लिए भेजा, उनका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन गए और फरूख शेर का उन्होंने गले की सर्जरी की और फरूख शेर ठीक हो गए। इस चीज़ की वजह से फरूख शेर काफ़ी एहसान मंद हुए अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के, और उन्होंने 1717 में अंग्रेज़ों के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली, जिसे दस्तक भी कहा जाता है, जिसे फरमान भी कहा जाता है। इस ट्रीटी के तहत हुआ ऐसा कि 3000 एनुअल टैक्स में बंगाल और 10,000 एनुअल टैक्स में सूरत यानी गुजरात में फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई। क्या मतलब, फरूख शेर ने कहा कि बंगाल और गुजरात जो दो मेन ट्रेडिंग एरियाज थे ब्रिटिशर्स की उस तरफ, उन्होंने कहा फरूख शेर ने कि आप हमको सिर्फ एनुअल 3000 रुपीज़ का टैक्स पटाइए, और फिर आपको जो बंगाल में ट्रेड करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो पूरी तरह से हटा दी जाएगी, और सेम 10,000 एनुअल टैक्स आप मुगलों को पटाइए, और गुजरात वाला यानी सूरत वाले एरिया में भी जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो हट जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ना फ्री ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फ्री कर दिया इन्होंने दोनों एरियाज में। सो दिस ट्रीटी वाज सो बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन इंडिया दैट दे कॉल दिस ट्रीटी एज द मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। यस, दे कॉल दिस ट्रीटी विद फरूख शेर इन 1717 एज मैग्ना कार्टा, ठीक है। आपको पता ही होगा ब्रिटिशर्स यूज टू कॉल मैग्ना कार्टा एनी सच डॉक्यूमेंट, एनी सच एग्रीमेंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। इंडिया में उनको इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा जो छूट मिली, जिसकी वजह से उन्होंने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की यहाँ पर इकोनॉमी में की या अपने बिजनेस में की, वो इस ट्रीटी की वजह से की, ठीक है। मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट था जिससे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटेन में, तो तब से वो जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनके कहीं पर भी या अग्रीमेंट कहीं पर भी होते उसको अपना मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसलिए अगर हम कहें कि ब्रिटिशर्स का मैग्ना कार्टा इंडिया में क्या था, तो वो यही ट्रीटी थी जो फरूख शेर के साथ इन्होंने साइन की थी, जिसमें बंगाल और गुजरात में उनको करीब करीब फ्री ट्रेड करने का परमिशन मिल गई थी। फाइन विद दैट, ठीक। तो इस तरह से आई एम डीलिंग हियर ओनली द
बिजनेस स्प्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया, ट्रेडिंग स्प्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया कैसे आए, कैसे उन्होंने पहले व्यापार में अपने पैर पसारे, इतना। अब पॉलिटिक्स में उन्होंने जो पैर पसारे वो जो अगला वीडियो होगा ना, जिसमें हम कहेंगे देखेंगे कि कैसे उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके लोकल डायनेस्टीज और आसपास की जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज थी उनके साथ लड़ाइयाँ वगैरह की नीतियाँ लाई और पॉलिटिकल इंडिया को ऑक्यूपाई किया। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इंडिया में इन्होंने कमर्शियली कैसे अपने पैर पसारे, अगले वीडियो में हम पॉलिटिकली कैसे पैर पसारे वो देखेंगे, ठीक है। तो डू रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये थे ब्रिटिशर्स, उसके बाद आए फ्रेंच, ठीक है। ये लास्ट जो आपको पढ़ना है यूरोपियन कंपनीज में वो है फ्रेंच। कैंपेन इंडस ओरिएंटलिस, ये नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1664 में कॉलबर्ट ने किया था, कॉलबर्ट। और यही आपको नाम याद रखने की जरूरत है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। कैंपेन इंडस ओरिएंटलिस नाम की थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 में कॉलबर्ट ने इस्टेब्लिश किया और ये इंडिया आए। तो याद रखिएगा यूरोपीय कंपनियों में अंतिम जो थे जो भारत आए थे वो फ्रांसीसी ही थे। फिर 1668 में फ्रेंकोइस केरोन ने सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। तो याद रखें फ्रांसीसियों की भी पहली फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, सूरत में। और फिर 1669 में मसलीपट्टनम में इनकी साउथ की पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई। तो इन्होंने भी पहले सूरत में और फिर मसलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग इन्होंने स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे एरियाज में इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया, ट्रेड पर्पज से मेनली आप कह सकते कब्जा करना स्टार्ट किया। तो अब ऐसा हुआ कि जब ये साउथ में गए मसलीपट्टनम के बाद आसपास के एरियाज में जब इन्होंने किलेबंदी की, फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश की, तो इनकी डायरेक्ट राइवलरी हो गई अंग्रेज़ों की। असल में ऐसा था कि उस वक्त के हालात ऐसे थे कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यूरोप में भी कॉन्फ्लिक्ट राइवलरी चल ही रही थी और उसी का रिफ्लेक्शन इंडिया में भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी ये दोनों ही बड़े व्यापारी देश दक्षिण वाले क्षेत्र में व्यापार के लिए आपस में लड़ रहे थे और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे थे, लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे थे और कोई किसी को सपोर्ट करता था, कोई किसी को सपोर्ट करता था, लेकिन आर्च राइवल्स ये दोनों ही थे, ठीक है। तो देखिए पहले सूरत में और फिर पूरे दक्षिण वाले एरिया में ब्रिटिशर्स को कॉम्पीट करने के लिए फ्रांसीसी भी आ गए। फिर फाइनली आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में एक लंबा संघर्ष चलता है और ब्रिटिशर्स फ्रांसीसी को इंडिया से इराडिकेट कर देते हैं, ठीक। तो इसी दौर में जब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष चल रहा था, तीन एंग्लो कर्नाटिक वॉर या तीन एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए। तो पहले तो उन वॉर्स में पहुंचने से पहले आप ये इनिशियल डिटेल्स याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि साउथ में मसलीपट्टनम के बाद इन्होंने यानम, माहे, कराईकल, चंद्रगिरी, पोंडीचेरी, ये चार पांच एरियाज को हासिल किया था। आप जानते ही हैं कि हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस अंग्रेज़ों से, फ्रांसीसियों से ही ये चार पांच एरियाज को फ्री करवाया और इन चार पांच एरियाज को मिलाकर ही यूनियन टेरिटरी ऑफ पोंडीचेरी बनी है ना, यानम, कराईकल, माहे, चंद्रनगर और लास्ट में क्या कहा मैंने, पौंडीचेरी, इनको मिलाकर, चंद्रगिरी सॉरी और लास्ट में पौंडीचेरी, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। ये सारी फ्रेंच कॉलोनीज थी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन सभी को उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली अपने कब्जे में किया था और ये पूरे एरियाज की वजह से जो कर्नाटक वाला एरिया है ना, यहाँ पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध चढ़ गया या स्ट्रगल चढ़ गई। हालांकि लेमोय, ड्यूमास ऐसे दो तीन गवर्नर्स आए, फ्रांसीसी गवर्नर्स, जिन्होंने यहाँ पर फ्रेंच पावर को स्ट्रेंथन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का जो श्रेय जाता है वो ड्यूप्ले को जाता है, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट मोस्ट पावरफुल फ्रेंच गवर्नर जिनके नेतृत्व में फिर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में स्ट्रगल्स या बैटल्स स्टार्ट हुई, ठीक। तो अब हम देखने जा रहे हैं ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुई स्ट्रगल्स, जिनको हम एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलते हैं या एंग्लो कर्नाटिक वॉर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी तीन बैटल्स हुई थी, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर, सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर और थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर। 1746 से 1748 के बीच में फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक, सेकेंड 1749 से 1754 और थर्ड 1757 से 1763, ये तीन ऐतिहासिक बैटल्स हुई थी जिसमें फाइनली ये जो 1763
3 वाली जो बैटल आप देख रहे हैं इसमें अंग्रेज जीतते हैं और फ्रांस जो है वो इंडिया से इरेडिकेट हो जाता है। तो इन तीनों बैटल्स के बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लें, व्हाट वर द रीजंस, रीजंस क्या थे और कौन सी ट्रीटी के जरिए ये एंड हुए। सो इफ़ यू आर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव यू नीड टू नो ओनली 2-3 थिंग्स अबाउट एनी वॉर और बैटल। व्हाट वॉज द इमीडिएट कॉज, व्हेन द बैटल अकर्ड, बिटवीन हुम एंड हाउ इट एंडेड। ये 3-4 चीज़ें आप जान लेंगे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। क्यों हुई थी लड़ाई, कब हुई थी, किसके बीच हुई थी, ख़त्म कैसे हुई या उसका अंत कैसे हुआ। तो बस वही चीज़ें मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। कब हुई थी ये तो आपने देख लिया, किनके बीच हुई थी ये भी आप जानते हैं, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। क्यों हुई थी और अंत कैसे हुआ ये आप सुने। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर के वक्त ही यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में राइवलरी चल रही थी। इंडिया में भी हालात इन दोनों के बीच में टेंस थे क्योंकि वो दोनों ही आर्च राइवल्स थे बिजनेस में, खासतौर पर दक्षिण वाले एरिया में। तो ऐसा हुआ था कि अंग्रेज़ों ने पहले क्या किया, फ्रांसीसी जो जहाज़ हैं उन पर हमला करवा दिया। बदले में जो फ्रांसीसी हैं, ड्यूप्ले थे उस वक्त, फ्रांसीसियों ने क्या किया, जो मद्रास वाला एरिया ना, दे बिसीज मद्रास, ठीक, मद्रास को अपने कब्जे में कर लिया अंग्रेज़ों से छीनकर। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर हमला करवाया तो फ्रांसीसी ने क्या किया, मद्रास वाले एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही साथ उस टाइम ऐसे लोकल जो कर्नाटक वाला रीजन था वहाँ के नवाब थे अनवरुद्दीन ने क्या किया, फ्रांसीसियों पर हमला करवा दिया। इस वजह से बैटल ऑफ सेंट थोम हुई फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच में। ठीक, एक तो मैंने कहा कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में टेंशन चल रही थी, पहले उन्होंने जहाज़ों पर हमला करवाया, फिर फ्रांसीसियों ने मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिया, टेंशन और बढ़ गई। इसी बीच में अनवरुद्दीन, जिसको अंग्रेज सपोर्ट करते थे, ही वॉज सपोर्टेड बाई ब्रिटिशर्स, इसने क्या किया, फ्रांसीसियों पर हमला कर दिया, जिस वजह से अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में बैटल ऑफ सेंट थोम हुई। फ्रांस को लीड कर रहे थे ड्यूप्ले और ड्यूप्ले ने इस बैटल ऑफ सेंट थोम में अनवरुद्दीन को फाइनली हरा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ चल रही थी, कभी उधर से हमले हो रहे थे, कभी इधर से हमले हो रहे थे। ये दो कारण याद रखिएगा जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन इनकी बढ़ गई थी। ठीक, अनवरुद्दीन को हरा दिया तो अगेन ब्रिटिशर्स और फ्रांस जो है वो आमने सामने आ गए सेंट थोम के युद्ध के बाद। इसी बीच में वहाँ पे ऑस्ट्रियन सक्सेशन के लिए जो भी स्ट्रगल चल रहा था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, उसमें विराम लगा। 1748 में ऑक्स ला शैपेल का एक ट्रीटी हुई वहाँ पे, ऑक्स ला शैपेल। वहाँ पर फिर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ऑक्स ला शैपेल की ट्रीटी के साथ युद्ध विराम हो गया, जिसकी वजह से इंडिया में भी ये फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर को एंड कर दिया गया। सो इन शॉर्ट, ये जो पहले बताए मैंने वो रीजंस थे और ये एंड कैसे हुआ ये वाला बैटल, बाय द ट्रीटी ऑफ ऑक्स ला शैपेल विच टुक प्लेस इन यूरोप एंड रिजल्टेंटली इंडिया में भी एंग्लो कर्नाटक वॉर को ख़त्म कर दिया गया बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। फाइन, कमिंग टू द सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर, दिस वॉर वॉज फॉट, या दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच फॉर द स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन एट कर्नाटक इन हैदराबाद। असल में कर्नाटक में नवाब के पद को लेकर और हैदराबाद में वहाँ के सूबेदार के पद को लेकर के वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनके बीच में संघर्ष चल रहा था। एक व्यक्ति को ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे को फ्रांसिस सपोर्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं मेन इंटेंशन एक दूसरे के सामने खड़ा होना था। ये तो बस प्यादे थे जो वहाँ के थे। ठीक, तो यही दो जो आप कह सकते हैं कर्नाटक और हैदराबाद में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, यही कारण बना सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर का। ठीक, अब इसमें कौन किसको सपोर्ट कर रहा था इसे ज़रूर समझिए। मैंने कहा पहले कर्नाटक, ठीक है, इट इज़ कर्नाटक ना, आई हैव रिटन द स्पेलिंग रॉन्ग, इट इज़ कर्नाटक। और दूसरा मैंने कहा हैदराबाद, ठीक है, सेकेंड का रीजन बता रही हूँ मैं या कोर्स ऑफ एक्शन बता रही हूँ। कर्नाटक में नवाब का पद था और हैदराबाद में सूबेदार का पद था। अब ब्रिटिशर्स की बात करती हूँ मैं और फ्रेंच कि ब्रिटिशर्स किसको सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे। कर्नाटक में नवाब के पोस्ट के लिए ब्रिटिशर्स वर सपोर्टिंग अनवरुद्दीन। अभी आपको बताया था मैंने कि अनवरुद्दीन को ब्रिटिशर्स का सपोर्ट प्राप्त था, अनवर उद्दीन। वहीं इसको चैलेंज करने वाले व्यक्ति को फ्रांसीसी ड्यूप्ले जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और वो थे चांद साहिब। ठीक है, तो कर्नाटक में
नवाब के पतले अनवरुद्दीन और चांद साहिब के बीच में राइवलरी थी। ब्रिटिशर्स इसको सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांसीसी चांद साहिब को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं हैदराबाद में ब्रिटिशर्स वर सपोर्टिंग नासिर जंग फॉर द पोस्ट ऑफ सूबेदार, नासिर जंग, वेयर एज फ्रेंच वर सपोर्टिंग मुजफ्फर जंग फॉर द पोस्ट ऑफ सूबेदार। ठीक है, अब ये इनके बीच की राइवलरी चल रही थी, प्लेयर्स ये थे पर इनको खिलाने वाले अंग्रेज और फ्रांसीसी ही थे आप कह सकते हैं। तो हुआ ऐसा कि फाइनली चांद साहिब और मुजफ्फर जंग गॉट विक्टोरियस। ऐसा हुआ कि चांद साहिब ने अनवरुद्दीन को हरा दिया तो चांद साहिब बन गए और फिर मुजफ्फर जंग से नासिर जंग हार गए। लेकिन अब इस तरह से हो ही रहा था कि इनिशियल रिवर्सेज हुए ना सेकेंड वाले बैटल में, कि इससे ये लग रहा था कि फ्रांसीसी हुकूमत जो है उसको ज़्यादा एज मिल गया, बिकॉज चांद साहिब भी जीत गए, इधर मुजफ्फर जंग भी जीत गए। अब उसके बाद क्या, इसी बीच में जब देखा गया कि डुप्ले के पावर के अंडर फ्रेंच जो है बहुत पावरफुल हो गए, वॉर ऑफ सक्सेशन में भी फ्रेंच का पलड़ा भारी हो गया, इसी बीच ब्रिटिशर्स को लीड करने आए सर रॉबर्ट क्लाइव ने 500 सिपाहियों के साथ हमला कर दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ वाला जो रीजन है वहाँ पे हमला कर दिया और फाइनली जो चांद साहिब है ना वो मारे गए। और इस तरह से जहाँ फ्रांसीसी हावी होते दिख रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव के इस हमले के बाद ब्रिटिशर्स फाइनली इसमें हावी हो गए और उन्होंने फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करी फ्रांसीसियों के साथ और इस युद्ध को समाप्त किया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि शुरुआत में फ्रांसीसी पलड़ा भारी था सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर में, फिर अंग्रेजों का पलड़ा भारी हुआ और उन्होंने फ्रांसीसियों को ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करने पर मजबूर किया और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर खत्म हुआ। ठीक, ऑक्सला शेपेल फर्स्ट काइंड, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी सेकेंड काइंड। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड का रीज़न बहुत ज़्यादा आपको लोकल रीज़न याद रखने की ज़रूरत नहीं, लोकल रीज़न इतना था कि बंगाल में जो चंद्रनगर है ना, उस चंद्रनगर पर कब्जा करने की लालसा थी रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज जो हैं बंगाल वाले चंद्रनगर एरिया में कब्जा करना चाहते थे और यही वजह बनी उस क्षेत्र में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में राइवलरी की। ठीक, इसी वजह से थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर वॉज फॉर 1757 to 1763। और ये तो एक लोकल रीजन था, साथ ही साथ अगेन ब्रिटेन में या मैं कहूँ यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में टेंशन बढ़ गई थी। वहाँ पे 7 ईयर वॉर चल रहा था ऑलरेडी, जिस बीच में ये इंस्टेंट चीज़ें यहाँ पर हुई। क्या कहा मैंने, थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर के वक्त सप्तवर्षीय संघर्ष या 7 ईयर वॉर यूरोप में भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चल रहा था और यहाँ पर चंद्रनगर को लेकर भी ये दोनों फौजें आमने सामने हो गई कर्नाटक में। तो ये था थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर की वजह का कारण। और यहाँ पर इसका एंड भी यहाँ की कोई लोकल जगह या कोई लोकल रीज़न से नहीं होता, अगेन वहीं पर यूरोप में जो ट्रीटी होती है उस वजह से वो इंडिया में ये राइवलरी एंड होती है। वहाँ पे उस 7 ईयर वॉर में फ्रांस फाइनली हार गया, ब्रिटेन जीत गया और एक ट्रीटी हुई जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। उस ट्रीटी के तहत विक्टर साबित हुआ ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो इट लॉस्ट द बैटल। ठीक, और जब वहाँ पर ट्रीटी हुई तो उसके तहत इंडिया में इनके जितने सेटलमेंट्स थे वो छोड़कर इन्हें इंडिया से वापस जाना पड़ा। तो वो जो बैटल फाइनल डिसिसिव हुई थी जिसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, उस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ वांडीवाश। ठीक है, ये एक्चुअली 1760 में हुई थी, 1760 में। तो वांडीवाश की इस बैटल के बाद फ्रांसीसी फाइनली हार गए और अंग्रेज़ों ने उन्हें इंडिया से इराडिकेट कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या क्रक्स निकालना है थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर में, रीज़न मेनली 7 ईयर वॉर था जो यूरोप में चल रहा था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। वहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ फ्रांसीसियों का पलड़ा हल्का हो गया, अंग्रेज़ जीत गए आप कह सकते हैं वहाँ पर, और इंडिया में भी इस वजह से फ्रांसीसियों को हार माननी पड़ी और इंडिया से वो बाहर चले गए। द मेन बैटल विच टू प्लेस जिसमें फ्रांसीसी हारे थे अंग्रेजों से, दैट वॉज बैटल ऑफ वांडीवाश। तो यू कैन से दैट ब्रिटिशर्स इरेडिकेटेड फ्रेंच फ्रॉम इंडिया विद बाय द बैटल ऑफ वांडीवाश 1760। अगर दोनों को मैं कंबाइन करूँ डच और फ्रांसीसियों को, तो 1759 में बेदरा के बैटल के साथ
अंग्रेजों ने डचों को इंडिया से रेडिकेट किया, तो वहीं 1760 में वांडीवाश के बटल के साथ अंग्रेजों ने फ्रांसिसकियों को इंडिया से इरेडिकेट किया। ठीक है, आई होप आप सब चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये तीनों ही वॉर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ईयर याद रखें, ऑक्सला शेपेल, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक, और फाइनली बैटल ऑफ वांडीवा 1760, जिसके बाद इंडिया में फ्रांसिसियों की समाप्ति हो गई। बस वो जो चार पांच एरियाज में इन्होंने कब्जा किया था आखिर तक, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां पर उनका कब्जा रहा, और अंग्रेज और फिर धीरे धीरे वो फ्रेंच कॉलोनी जब खाली हुई तो हमने एज अ यूनियन टेरिटरीज को इंडिया के यूनियन में शामिल किया। ठीक, सो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा व पोर्टुगीज कॉलोनीज एंड पौंडीचेरी यानम महा कारकल एक्सेट्रा, ये जो थे ये फ्रेंच कॉलोनीज थी जो आज़ादी के बाद इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई। ठीक है, सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ द अदर यूरोपियन कंपनीज विच केम टू इंडिया अलोंग विद ब्रिटिशर्स, हाउ दे केम, व्हाट दे डिड एंड हाउ दैट पावर एंडेड इन इंडिया। इतनी चीज़ें आपको जाननी है यूरोपियन एडवेंट के बारे में इंडिया में, दैट इज इट। ठीक, अब आज की क्लास में हम इतनी ही बातें पढ़ रहे हैं, अगली क्लास जो होगी अब उसमें हमारा फोकस सिर्फ ब्रिटिशर्स होंगे। हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स जो आए थे ट्रेडर्स बन के इंडिया में, हाउ दे एक्सपेंडेड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उन्होंने स्प्रेड किया। दे केम हियर फॉर ट्रेड पर्पज, फॉर बिजनेस पर्पज, फिर दे स्टार्टेड पॉलिटिकली इंटरफेयरिंग इन टू द लोकल मैटर्स, हाउ दे कैप्चर्ड द एंटायर कंट्री, यही आप अगले लेक्चर में पूरा पढ़ोगे। उन्होंने बैटल्स का सहारा लिया, उन्होंने ट्रीटीज का सहारा लिया, उन्होंने कुछ पॉलिसीज का सहारा लिया और फाइनली इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया। वही चीज़ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आज की क्लास में इतना ही। कहीं कोई डाउट होता आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।